ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस में क्या क्या आता है बेसिकली? इसमें आता है ऑयल फिल्टर आता है, इंजन ऑयल आता है, एयर फिल्टर आता है, वाइपर फ्लूड आता है, टायर है रोटेट करना है, ये सब चीज़ है, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी है, कार स्कैनिंग भी है। काम अगर निकलता है तो वो नेक्स्ट डे भी मिल सकती है, हाँ गाड़ी में काम हाँ हाँ आने के बाद ही पता चलता है। और मैम कूलेंट का कंडीशन भी देखना पड़ता है हमें, वो सब चीज़ चेक करके ही इन्फॉर्म करते हैं। कौन से ऐसे वार्निंग्स हैं जो नॉर्मल कार में नहीं होते हैं, और ये लग्जरी कार जैसे हम अभी इसी की बात करें तो इसमें हमें वार्निंग मिलती है चीजों जी, वार्निंग इसमें मिलेगा, आपके कूलेंट लेवल कम हो जाएगा तो भी वार्निंग आएगा, ठीक है? बैटरी फ्लूड की तो वार्निंग नहीं आएगी, जैसे अल्टरनेटर काम करना छोड़ दिया तो हाँ बैटरी का साइन आ जाएगी अंदर, वो चीज़ है। बेल्ट उतर भी जाती है तो भी, अगर हीटिंग होगी, वाटर पंप भी काम नहीं करेगा तो भी वार्निंग अंदर आएगी। और मैम बोनेट खुला रहेगा, डोर ओपन रहेंगे, तो ये सब का चीज़ का वार्निंग आती रहेगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारी बाकी कार्स में भी आता है, लेकिन लग्जरी सेगमेंट में आपने बताया हमें जी इंजन ऑयल का वार्निंग अलग से आता है जो बाकी सारी कार्स में नहीं होता है। नहीं, इंजन ऑयल का सारी कार में आती है, अच्छा सारी बैटरी का भी सारी कार में आती है, हाँ। पर सर्विस का नहीं आती है हर कार में। अच्छा, इसमें आती है, इसमें आती है जी, सर्विस की वार्निंग, मतलब सर्विस की होगी, आपको टेंशन ब्रेक की होगी, ये सब की चीज आनी आनी इसमें वार्निंग। महंगी कार खरीदने के कुछ तो फायदे हैं। इंजन ऑयल चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं, कितने किलोमीटर बाद चेंज करना होता है, ये आप हमें बता दें जी। मैम बड़ी गाड़ी में जो है हम 10,000 पे भी चेंज करते हैं, वार्निंग वार्निंग के हिसाब से 12,000 आती है। हम जैसे स्कैनिंग करेंगे, सर्विस रिसेट करेंगे तो वो 12,000 ऑटोमेटिक ले लेगी। अच्छा हाँ, तो वो 12,000 पे ही वार्निंग आएगी, हाँ। तो फिर कस्टमर हमारे यहाँ लेके आएंगे वो। अच्छा, मतलब हम पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं कि 12,000 12,000 पे तो ही आपको लेके आना ही है कार को, यहाँ बिल्कुल लेकर आए आप कहीं लेकर आए, बट मैं कहूँगी आप यहीं पर लेके आए, कार की अच्छी सर्विस होगी, क्यों भैया जी। ठीक है, तो बैटरी की हेल्थ बहुत जरूरी होती है कार की, बिल्कुल। तो कितने टाइम बाद ये चेंज करना चाहिए, और क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें बैटरी का हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और चेंज कर लेना चाहिए? जी मैम, जैसे बैटरी है, बैटरी के बारे में आप बताएं, बैटरी का हेल्थ ऐसे चेक कर, जैसे गाड़ी हमारे पास सर्विस के लिए आई तो हम बैटरी और मल्टीमीटर लगाते हैं, बैटरी का हेल्थ चेक करते हैं उसमें। मल्टीमीटर में अगर 7 आ रही है तो बैटरी ख़त्म है, ख़राब है, हाँ, उसका पानी उनी चेक कर लेंगे हम, ग्रेविटी चेक कर लेंगे, और उसमें कम है तो बैटरी ख़त्म है, वो सब चीज़ चेक करते हैं, उसके बाद हम फिर कस्टमर को अप्रूव के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो कब हम बैटरी को रिप्लेस करते हैं, वो समय 3 साल के बाद ही रिप्लेस का कंडीशन आता है, उससे पहले नहीं। मतलब एक बार आपने बैटरी लगाई वो 3 साल तीन तो साल तक चलेगी चलेगी जी, समझ रहे हैं? अगर आप पार्किंग ऑन रखते हैं हाँ। तो बैटरी पे डिफेक्ट तो पड़ेगा ही, हाँ, हाँ, जी। मतलब यूसेज के ऊपर भी करता है, हाँ। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हैं कार जी, को बार बार तो, जैसे बैटरी हम इग्निशन ऑन छोड़ दिए, हाँ, हाँ, बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्ज करवा रहे, फिर लगा रहे, तो वो बैटरी का हेल्थ नहीं बचती ज्यादा, वो 2 साल में भी कर सकते हैं, साल भर में भी कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। हाँ, तो वही चीज है कि मतलब आप जितना ज्यादा जितना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उतना कम बैटरी की लाइफ होगी, अदरवाइज 3 साल तो हम लेके चलते हाँ, हैं। 3 साल तो बैटरी वाला देता भी, कंपनी भी हाँ, बताती 3 साल तक तो चली। ठीक, लग्जरी कार जैसे Audi A3 में क्या हम अलग से कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं? बिल्कुल मैम, डायग्नोस्टिक यूज करते हैं हम, हाँ। वो होता है स्कैनर होता है हमारे, अच्छा। जो हर गाड़ी के लिए होते हैं, अलग अलग डिवाइस होते हैं, अच्छा। वो हम यूज करते हैं लंच का इसमें, तो वो उसमें हेल्थ रिपोर्ट डालते हैं स्कैनिंग में, तो सारी रिपोर्ट आ जाती है इसमें, ब्रेक खत्म है या क्या है, कितनी रिपोर्ट है क्या नहीं है, सारी रिपोर्ट उसमें आती है। ठीक है,